व्यापारियों को या और मोतबरमंदों को धमकी दे के उगाही का काम करते थे। इसके अलावा ड्रग पैडलिंग में भी इनको लुक्रेटिव, इनको काफ़ी पैसा आने लग गया। एक पटवारी नाम का व्यक्ति है जो काफ़ी बड़ा ड्रग पैडलर है लुधियाना जिले में है। इसने पटवारी से सामान मंगा के पटवारी की जो ड्रग्स थी, हीरोइन थी, उसको इसने से छीन लिया। अराउंड 1 किलो के लगभग हमने बरामद किया है लक्षणा को, जो सस्पेक्टेड हीरोइन है, और उसको ये बेचा जा रहा था। उसको इसका इरादा ये था कि भटिंडा और कोटकपुरा उसके आसपास एरिया में मैं इसकी एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करूँ, अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करूँ और फिर मैं इस बिज़नेस को भी आगे बढ़ूँ। तो विवादित भूमि काफ़ी बड़ी एरिया था इनका, अम्बाला के आसपास। इस पर ये लोग कब्जा करने के नियत से काफ़ी टाइम वहाँ पर रहे अवैध असलों अपने साथियों के साथ, जिससे कि जो दूसरी पार्टी है उसको डरा धमका के और इससे ज़मीन लिखवा। 4 पिस्तल 32 बोर की बरामद हुई है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं जो पिस्तल हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। बिकॉज इनका ये पूछताछ में है कि जो अवैध असले हैं, वेस्टर्न यूपी के गैंग के साथ इनका वहाँ पे टाई अप था और ये लोग और भी असला लेने का प्लान बता रहे थे कि साहब वहाँ से लेके आना भी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। खबर फरीदकोट तो सामने आई है जिससे कि पुलिस वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गया, जिस दे विच उन्होंने कुछ गैंगस्टरां नूं जिहड़ा उह काबू किया है, जिन्हां कोलों 4 पिस्तल ते 32 जिंदा कारतूस बरामद किए ने। इस दे नाल उन्हां कोलों करीब 5 करोड़ की हेरोइन भी बरामद की गई है। पुलिस के सीनियर अधिकारी प्रदीप कुमार यादव का कहना है कि बीते दिन ही पुलिस वालों एक नाकाबंदी की गई सी, जिस दौरान एक गड्डी नूं रोकण की कोशिश की गई, तो गड्डी दे विच सवार नौजवान गड्डी भजा के अगे लै गए, जो कि एक दरख्त दे विच टकरा गई। बाद दे विच नौजवानों ने अपने बचाव के लिए पुलिस उत्ते फायरिंग भी की, अगों पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की, बाद दे विच मौके पर 4 नौजवानों जिहड़ा गिरफ्तार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ये हुआ, गैंगस्टर के खिलाफ हम लोग ने एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे प्रदेश भर में छिड़ी गई है, और साथ साथ ड्रग्स के ऊपर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग से खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और फरीदकोट पुलिस हैव बीन काफ़ी टाइम से एक्टिव, हम लोग काम करते रहे। इसके अलावा जेल के अंदर भी कुछ सूचनाएं मिलती रही हम लोग की, सरप्राइज़ रेड हमारे एसएसपी अवनी सिद्धू जो हैं इनके निर्देशन में काफ़ी बार हम लोग ने सरप्राइज़ रेड्स भी की, कई प्राप्तियाँ भी हुई। उसी रेड्स में हमें एक मॉड्यूल के बारे में टेक्निकल इनपुट भी आया कि यहाँ पे ड्रग और डिस्ट्रीब्यूशन की भी शिकायत थी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड माफिया के साथ भी वर्क कर रहे हैं। हमारी जो टीम थी, हमारे एसपीडी और हमारे डीएसपीडी प्लस हमारे और सीआई की टीम जो है इस काम पे लगे, और कल जो है शाम को काफ़ी दुर्दांत एक अपराधी है कुलदीप सिंह उर्फ कीपा, और इसके 3 साथी कल पकड़े गए हैं। और अब तक की जो पूछताछ हुई है इस पर कई सारी चीज़ें हमें मिली हैं इनके बारे में। जो ये कीपा नाम का व्यक्ति है, ये बेसिकली मानुके पिंड है मोगा देव जिले का, ये वहाँ का रहने वाला है, और क्राइम की दुनिया में ये बेसिकली आया, शुरुआत में दबंगई करता था, गांव की सरपंचे लड़ाई में हिस्सा करता था। तो गांव का इसका एक सरपंच था अपना क्या नाम है, कुलदीप ज्ञान सिंह को मारने के लिए इसने बेन सिंह, तो बेन सिंह सरपंच था, उसके साथ मिलके जो इनका विरोधी धड़ा था ज्ञान सिंह, उसकी उन्होंने हत्या की। हत्या करने के बाद फिर ये पकड़ा गया, और उसके बाद फिर इसने बेन सिंह से इसकी अनबन हो गई, और फिर इसने बेन सिंह की हत्या जो उनका एक साथी वहाँ पे था गोगा करके, उसके साथ मिलकर उन्होंने बेन सिंह हत्या कराई। गोगा जो है एक काफ़ी बड़ा आड़ती था, और काफ़ी जिसे होता है कि पैसे भी उधारी पे देता था और भी कई सारे काम हैं, उसके लिए उसने ऐसे मसल मैन इसको यूज़ किया जो ये कीपा था। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गोगा था उसकी हत्या कराई फिर सुखप्रीत बुड्ढा ने इसलिए हत्या कराई कि सुखप्रीत बुड्ढा का साथी था बेन सिंह, जिसको इन्होंने हत्या कराई। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कीपा के ऊपर अब सुखप्रीत बुड्ढा के रडार पे है वो, जैसा कीपा ने पूछताछ बताया। तो कीपा सुखप्रीत बुड्ढा के लिए पहले काम करता था, जब से गोगा की हत्या हुई अब वो उसने पाला पलटा, और उसने जो इनका राइवल गैंग है सेखों करके, ग्रुपी सेखों के शरण में गया, उसके साथ इसने कहा मिलकर काम करेंगे। उसका डुअल एडवेंचर था
एक तो उसको लगा कि इससे मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सुखबीर डोडा मुझे नहीं मारेगा, और दूसरा उसके साथ रल मिल के उसे लगा कि और लुक्रेटिव मुझे वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो बातचीत में ये भी पता चला कि ये लोग अपना असला असला तो अपने गैंग मेंबर से इनको मिलता ही था, ये व्यापारियों को या और मोतबर बंदों को धमकी दे के उगाही का काम करते थे। इसके अलावा ड्रग पैडलिंग का भी इनको लुक्रेटिव, इनको काफ़ी पैसा आने लग गया तो उसको भी करते थे। उसमें ही बड़ा गज़ब का एक हमें इंसिडेंट पता चला, एक पटवारी नाम का व्यक्ति है जो काफ़ी बड़ा ड्रग पैडलर है लुधियाना जेल में है। इसने पटवारी से सामान मंगा के पटवारी की जो ड्रग्स थी, हीरोइन थी, उसको इसने से छीन लिया। सो इनका आपस में ही इस तरह से चीज़ें थी। और इसके बाद उसको इसका इरादा था कि इतना बड़ा उसने अराउंड 1 किलो के लगभग हमने बरामद किया है नेशनल पॉइंट पर, जो सस्पेक्टेड हीरोइन है, और उसको ये बेचना चाह रहा था। उसको इसका इरादा ये था कि भटिंडा और कोटकपुरा और उसके आसपास एरिया में मैं इसकी एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करूँ, अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करूँ और फिर मैं इस बिज़नेस को भी आगे बढ़ूँ। तो हमने उस सप्लाई चेन जो ये बनाने की फिराक में था उसको भी हमने थोड़ी यहाँ पे, और इसके अलावा जो ये कोटकपुरा में रकी करने निकले थे लोग कि वहाँ पर किस किस को हम लोग करें एक्सटॉर्शन के लिए, उस वारदातों को हमने इसको प्रीएम्प्ट कर पाए हैं। एक इंटरेस्टिंग गल और आई इनकी पूछताछ में कि कीपा इसके साथ साथ एक जग्गा नाम का सरपंच होता था डाबवाली पिंड, डाबवाली के आसपास एक पिंड है, तो वहाँ पे उसका अपना ही पैरेलल कोर्ट चलता था जी। और वहाँ के आसपास के पिंडों के जिहड़े झगड़े हैं, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों या भाइयों के झगड़े हों या और कोई लैंड विवाद हो, वो वहीं अपनी पंचायत होल्ड करता था, और पंचायत होल्ड करते टाइम दोनों पार्टी को बुलाता था, जहाँ पे इसके एज ए मसल मैन के तौर पे कीपा और इसके जो और साथी हैं सेवक सिंह, सुखचैन, सुखविंदर सिंह, ये सारे अवैध असला के साथ वहाँ हाजिर रहते थे। एक एज एक्ट ऑफ टेरर वहाँ पे बना के रखते थे, अगर तुमने बात नहीं मानी तो अभी तुम्हें हमारे साथ बहुत बुरा कर देंगे। तो इस तरह की ये लोग टेररिंग द सोसाइटी जिसे कहते हैं उस पर लोग काम करते रहे, और जग्गा ने कई ऐसे मामलों में उसको सुलझाया। कुछ लोगों के ज़मीन के झगड़ों को उसने इस तरह से सुलझाया, कुछ ज़मीनी जो विवाद थे वहाँ पे दूसरी पार्टी को विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर वॉट उसने कब्जा दिलवाया। हम उन सारों चीज़ों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। एक गल और साथ में आई कि इनका राजनीतिक संरक्षण भी कुछ इनको मिला हुआ था। एक मालवा एरिया के एक्स MLA साहब का नाम आ रहा है, जिनकी विवादित भूमि काफ़ी बड़ी एरिया था इनका अम्बाला के आसपास, उस पर ये लोग कब्जा करने के नियत से काफ़ी टाइम वहाँ पे रहे हैं अवैध असलों अपने साथियों के साथ, जिससे कि जो दूसरी पार्टी है उसको डरा धमका के और इससे ज़मीन लिखवा ली जाए। अभी हमारी चूँकि पूछताछ जारी है, पूछताछ में हम लोग जब वेरीफाई कर लेंगे उसके हम सारी चीज़ें डिटेल लेके आएंगे, बट इस पार्टी से संबंधित नहीं मिलेगा। अब वेरीफाई करने के बाद हम इसको देखे लाना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे पहलू निकल के आ रहे हैं, बट कहने का मतलब कि जो इसकी बातों से समझ में आ रहा है, इवन जो जग्गा है वो भी उन व्यक्ति राजनीतिक जो अपने हैं उनके करीबी बताया जाता है, काफ़ी करीबी रहा है, तो एज ए मसल हैंचमैन जो ये लोग यूज़ किए जा रहे थे उसके में डिटेल्स आई हैं, उन सारी लीड्स को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी कैसे हुई है? गिरफ्तारी हम लोग इस टेक्निकल रिपोर्ट हम लोग काम कर रहे थे कल गैंगस्टर्स को लेके। पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा एक मॉड्यूल को पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलके हम लोग ने पकड़ा, उसके बाद से काफ़ी हाई अलर्ट पे हम लोग चल रहे थे यहाँ पे, और कई जगह में नाके लगे थे। एक नाके पे बेसिकली आया कि ये लोग वहाँ से निकलेंगे, हमारी टीम वहाँ थी, वहाँ पे ये लोग काबू किए गए। तो सर क्या कुछ बरामद हुआ इनसे? इनसे बरामद देखिए 4 पिस्तल 32 बोर की बरामद हुई है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं जो पिस्तल हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। बिकॉज इनका ये पूछताछ में आया कि जो अवैध असले हैं वेस्टर्न UP के गैंग के साथ इनका वहाँ पे टाई अप था, और ये लोग और भी असला लेने का प्लान बता रहे थे कि साहब वहाँ से लेके आना भी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्टर्न UP के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जिलों के आसपास के लोग बता रहे हैं, उस लीड्स पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में एक इनकी टोयोटा Etios गाड़ी है जो इनके किसी साथी की थी, जिसको वारदातों में यूज़ करते थे, वो हमने काबू की है, और 3 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और एक डोंगल हमने काबू किया है। इसका हम लोग टेक्निकल फॉरेंसिक्स के माध्यम से और डिटेल्स निकालने में लगे हैं। ड्रग्स भी 1 किलो हमारा
ये हीरोइन सस्पेक्टेड है, इसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है, जैसे ये बता रहे हैं, ये हम लोग बरामद किया है, इसकी भी हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस करा रहे हैं। इन्होंने फायरिंग की, इन्होंने फायरिंग की और जवाबी में हम लोग ने फायर किया और इनको फिर काबू किया है। हाँ, इनका नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये पहला जो ऐसे में नाम लिया कुलदीप सिंह उर्फ कीपा, ये वासी है मानुके पिंड का, जिला मोगा का। इसके अलावा सेवक सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह, ये पिंड लहरी थाना तलवंडी साबो जिला बठिंडा का है, ये भी उस जग्गा जो जिसका मैंने नाम लिया था सरपंच, उसका काफ़ी क्लोज साथी ये भी है। तीसरा है सुखचैन सिंह और भुजिया, ये थाना भिक्खी जिला मानसा रहने वाला है। चौथा व्यक्ति सुखविंदर सिंह उर्फ काला, ये थाना मौड़ जिला बठिंडा का। ये 4 व्यक्ति हम लोगों ने अभी गिरफ्तार किए हैं। इनकी पूछताछ में कुछ और नाम भी आ रहे हैं, कुछ होटल्स के भी नाम आ रहे हैं जहाँ पे लोग रुकते रुकाते थे, उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि कुछ इनके साथियों की गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर, जो ड्रग्स पकड़ी ये इन्हीं के पास से थी, ये इनके, जैसे मैंने बताया ना, ये जो पटवारी करके जो व्यक्ति है, इससे उन्होंने छीना था और छीन के उन्होंने था कि इस हीरोइन को हम लोग बेचेंगे, एक सप्लाई चेन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उसमें फिराक में लोग लगे। मैं मानूंगा काफ़ी बड़ी सफलता है इस हमारी मुहिम को, जो गैंगस्टर के खिलाफ और ड्रग्स की लड़ाई के खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे हैं। ड्रग्स की लड़ाई में हम लोग का मेन है कि सप्लाई चेन को जब तक हम नहीं काटेंगे, इस लड़ाई पे हम लोग जीत नहीं पा सकते। तो मैं बधाई दूंगा हमारी फरीदकोट पुलिस को, हमारी SSP साहिबा जो है, उनकी पूरी टीम को, उन्होंने इस पर काफ़ी बड़ी कामयाबी दी। पंजाब में गैंगस्टर बाहर रोकने का नाम नहीं ले रहे, तो लगातार गिनती बढ़ती जा रही है, तो पुलिस भी चकन्नी हुई दिखाई दे रही है, तो लगातार जिहड़ा गैंगस्टर नूं फड़ रही है, तो कहा जा रहा है कि इन्हां गैंगस्टर के संबंध सियासी लीडर नाल ने, जो कि हुण जग जाहर हुंदे दिखाई दे रहे हैं। हुण देखना होगा कि इन्हां की गिरफ्तारी तो बाद पुलिस होर कि वे खुलासे करती है। फरीदकोट तो गुरजीत रमाणा की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीना बीजा ते बागा दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।